ऐलान कर दो फिर हाफिज नजीर अहमद साहब साबिका इमाम सुनहरी मस्जिद अगर जलसेगाह मौजूद हो तो स्टेज पर तशरीफ ले आए। हमारे मोहतरम सैयद अब्दुल हफीज शाह साहब के साहिबजादे हामिद नूरानी ने कुरान पाक खत्म किया है और इस सिलसिले में सैयद अब्दुल हफीज शाह साहब अपने बेटे के उस्तादों की खिदमत में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का तर्जमा कुरान शरीफ जिसका नाम है कंजुल ईमान, वो बतौर हदिया पेश करना चाहते हैं। इसलिए हजरत किबला हाफिज नजीर अहमद साहब और हजरत मौलाना हाफिज नजमुल हसन साहब कादरी तशरीफ ले आए ताकि उनकी खिदमत में ये कुरान करीम का हदिया पेश कर दिया जाए। दूसरे आप सब नहीं आए, आप जी साहब नहीं। अच्छा, दूसरे उस्ताद साहब तशरीफ नहीं लाए लिहाजा उनका हदिया ये कुरान करीम रखा हुआ है, उनकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। आप हजरात इससे सबक और इबरत हासिल करें और अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम दिलाएं ताकि आपके बच्चे कुरान के हाफिज हों और कुरान पढ़ने वाले हों। इस सिलसिले में मैं सिर्फ एक रिवायत आपके सामने पेश करके फिर तकरीर शुरू करूंगा। इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर कबीर में लिखा है बिस्मिल्लाह शरीफ के फजाइल में कि बिस्मिल्लाह शरीफ की कितनी फजीलत है। तो इमाम राजी लिखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान के पास से गुजरे, उन्होंने देखा कि एक शख्स अजाबे कब्र में मुबतला था। आप उसको अजाबे कब्र में मुबतला देख गए। जब चंद दिनों के बाद उसी रास्ते से वापस तशरीफ लाए तो वापसी पर उसी शख्स को देखा कि वो अजाबे कब्र से नजात पा गया था और उसकी कब्र
जन्नत का बाग बनी हुई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की कि ऐ रहीम करीम बे नियाज मौला, मैं जाते हुए इस शख्स को अजाब कब्र में मुबतला देख गया था और अब वापसी पर देख रहा हूं कि इसकी कब्र गुलजार बनी हुई है, तो तूने इसको किस वजह से बख्शा है? ऐ मौलाए करीम, तूने इसके अजाब कब्र को किस वजह से दूर किया है और इस पर रहमो करम फरमाया है? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे नबी, ऐ पैगंबर, ये शख्स बड़ा गुनाहगार था और इसको इसकी बुराइयों की सजा मिल रही थी और ये अजाब कब्र में मुबतला था, लेकिन जब ये मरा था तो अपनी बीवी की गोद में एक बच्चा छोड़ आया था। अब इसका वो बच्चा 5-6 बरस का हो गया, तो इसकी बीवी ने उस बच्चे को लिया और वो उसको आलिम दीन के पास ले गई और आलिम दीन से कहा कि हजरत, इस बच्चे को अल्लाह का कलाम पढ़ाओ, अल्लाह का कलाम सिखाओ। तो उस आलिम ने इस बच्चे को बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर उस्ताद ने कहा कि बेटा एक तरफ बैठकर इस बिस्मिल्लाह शरीफ को बार बार पढ़ो, रटो, ताकि याद हो जाए, हिफज हो जाए। तो ऐ एक तरफ बैठकर जब बार बार बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ने लगा और उसने बार बार कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब उसने बार बार मुझे रहमान और रहीम कहा तो मेरी रहमत के दरिया में जोश पैदा हुआ, मैंने उस बच्चे के बाप को बख्श दिया है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जरा अंदाजा करो कि जिस इलम की बिस्मिल्लाह में इब्तिदा में इतनी बरकत है, उस इलम की इंतहा में कितनी बरकत हो कि अगर कोई आगे बढ़े, कुरान शरीफ को पढ़े, हिफज करे और फिर आलिम दीन बन जाए तो उसको कितनी बड़ी सआदत हासिल होगी और कितना बड़ा दर्जा और मर्तबा हासिल होगा और फिर वो अपने खानदान के कितने आदमियों को बख्शवाएगा। चुनांचे हदीस शरीफ में आता है कि हाफिज़े कुरान अपने खानदान के 10 आदमियों को अल्लाह ताला से बख्शवाएगा, यानी हाफिज की शफात से वो 10 आदमी बख्शे जाएंगे जो अपने अमलों की वजह से जहन्नम के मुस्तहिक होंगे। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को हाफिज बनाएं, और अगर हाफिज न बना सकें तो कम अज कम नाजरा कुरान शरीफ तो जरूर पढ़ाएं और उनको तलकीन करें कि वो रोजाना सुबह उठकर कुरान शरीफ की तिलावत किया करें। कुरान शरीफ की तिलावत जिस घर में की जाती है या जिस घर में होती है, उस घर में रहमतें बरकतें नाजिल होती हैं और उस घर से वबाएं, बलाएं और बीमारियां और नहूसतें दूर हो जाती हैं। तो कुरान करीम पढ़ो भी और पढ़ाओ भी,
حضور علیہ الصلات والسلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہتر وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. تو آج کل بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائیں, قرآن شریف پڑھائیں. اگر قرآن شریف پڑھاؤ گے نمازی بنا جاؤ گے تو تمہارے مرنے کے بعد وہ بھی تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں گے اور قبر میں پڑے پڑے بھی تمہیں فائدہ پہنچتا رہے گا انشاءاللہ. اور یہ سید عبدالحفیظ شاہ صاحب کے جو لڑکے ہیں ماشاءاللہ وہ نعت شریف بھی بہت پیاری پڑھتے ہیں, اتنی اچھی نعت شریف پڑھتے ہیں کہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں, میں نے بھی کئی مرتبہ سنی ہے. تو یہ کتنا اچھا ذوق ہے کہ شروع سے ہی بچوں کا ذہن اس طرف لگا دیا جائے کہ وہ قرآن شریف پڑھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف پڑھیں. یہ حضور کی ثنا خوانی عبادت ہے. مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نہ تنہا ہست جامی نعت خوانش خدائے ما ثنا خان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. مولانا جامی فرماتے ہیں میں اکیلا ہی حضور کی تعریف نہیں کرتا, نعت شریف نہیں پڑھتا, اللہ تعالیٰ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتا ہے اور حضور کی نعت شریف پڑھتا ہے. تو بچوں کو یہ شوق پیدا کرنا چاہیے. آج کل تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اس لیے کہ ہمارے بچے اور بچیاں فلمی گیت گاتے پھرتے, بجائے اس کے کہ وہ فلمی گیت گائیں اور بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے گالیاں بکیں بےہودہ باتیں کریں. بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت کریں اور ان کے ذوق کو ادھر لگائیں کہ وہ گیتوں کی بجائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف پڑھیں, قرآن شریف کی تلاوت کریں. تو ایسے بچے جو ہیں وہ ماں باپ کے لیے نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے, بلکہ میں آگے بڑھوں تو قوم کے لیے سرمایہ ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی اولادوں کو نیک کرے, ہم سب کی اولادوں کو قرآن پڑھنے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سید عبدالحفیظ شاہ صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے صاحبزادے نے قرآن شریف ختم کیا اور انہوں نے اس سلسلے میں اللہ تعالی کا کلام اعلی حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ یہ استادوں کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اور ان استادوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت مولانا علامہ شبیر احمد صاحب ازہری نے آپ حضرات کے سامنے بڑی پیاری اور بڑی ایمان افروز تقریر فرمائی ہے. شان اولیاء فضائل اولیاء بیان فرمائے ہیں اور نہایت مدلل انداز میں بیان فرمائے ہیں. آپ مانے ہوئے ایک مقرر ہیں, عالم ہیں, انداز تقریر بڑا پیارا ہے. اب 12 بج گئے ہیں اور مجھے شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ میں تقریر کروں, تو میں 2 دن پہلے بھی آپ کے اس علاقے میں, 2 دن کیا گزشتہ رات ہی تو تھی نا, ہاں کل ہی یہ رات جو گزری ہے, اس رات میں آپ کے قریب ہی یہاں سنہری مسجد میں تقریر کر کے گیا ہوں. وہ تقریر تو 2 گھنٹے سے بھی زیادہ ہوئی تھی. باہر صورت اب میں حاضر ہوا ہوں تو چند منٹ میں آپ حضرات کے سامنے اپنے شکستہ الفاظ میں کچھ پیش کر دیتا ہوں.
तो आप हजरात सुन लीजिए, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम, नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही अजमाईन, अम्मा बादु फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العلي العظيم. دروشی پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد سید عبدالحفیظ شاہ صاحب نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ میں حضور علیہ الصلات والسلام کی عظمت بیان کروں. اس سلسلے میں میں صرف اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلات والسلام کی عظمت وہ بیان کر سکتا ہے جس کو حضور علیہ الصلات والسلام کی عظمت و شان کا پتہ ہو. نبی کریم علیہ الصلات والسلام کی عظمت و شان کا یہ عالم ہے کہ حضور کی عظمت و شان کو تو کما حق و ہو جبریل بھی نہیں جانتا، تو میں کیا بیان کروں گا اور میں کیا عرض کروں گا. حضور علیہ الصلات والسلام کی عظمت و شان یہ ہے کہ جب معراج کی رات سدرۃ المنتہی پر پہنچے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا، یہاں سے آگے نہ میں کبھی گیا ہوں اور نہ جا سکتا، یہ میری آخری حد ہے. اگر یہاں سے آگے تجاوز کروں تو اللہ کی انوار و تجلیات مجھے جلا دیں گے. تو حضور علیہ الصلات والسلام نے فرمایا جبریل تیری یہاں انتہا ہو گئی اور ہماری یہاں سے ابتدا ہو رہی. تو بتائیے جہاں جبریل امین کی انتہا ہو وہاں سے نبی کریم علیہ الصلات والسلام کی ابتدا ہو، تو پھر حضور کی عظمت و شان کو کون بیان کر سکتا ہے. حضور علیہ الصلات والسلام کی عظمت و شان کما حق ہو اللہ تعالی ہی جانتا ہے. میں اور آپ کیا ہیں، کس شمار و قطار میں ہیں،
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला ने उसे फरमाया, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद इस पूरी उम्मत में सबसे अफजल हैं, उनसे फरमाया, या अबा बकरिन वल्लजी बासनी बिल हक्के लम यारिफनी हकीकतन गैरो रब्बी। फरमाया, ए अबू बकर, मुझे कसम है उस जात की जिस जात ने मुझे हक के साथ मबूस फरमाया है, जैसा कि मैं हकीकत में हूं, मेरे रब के सिवा मुझे किसी ने पहचाना ही नहीं। ना हलीमा भेद खुला है ये, ना मकाम चूनो चिरा है ये, तू खुदा से पूछ वो कौन थे तेरी बकरियां जो चरा गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत व शान कोई बयान नहीं कर सकता। हां, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत व शान अकीदत से, मोहब्बत से अपने टूटे फूटे अल्फाज में कुछ बयान करता है, उसके बयान करने से हुजूर की अजमत व शान कोई बढ़ नहीं जाती, बल्कि बयान करने वाला खुद अजमत व शान वाला हो जाता है। और जो माद अल्लाह हुजूर की तनकीस करे और हुजूर की अजमत व शान को घटाए, उसके घटाने से हुजूर की अजमत व शान घट नहीं सकती, वो खुद घट जाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हजरत हसान इब्ने साबित रदी अल्लाह ताला, हुजूर उनके लिए अपनी मस्जिद में मिंबर बिछवाते और उनको मिंबर पर बिठाकर उनकी जुबान से अल्लाह ताला की हमदो सना और अपनी नात शरीफ सुनते। तो हजरत हसान जो हुजूर के सहाबी हैं, उन्होंने कमाल कर दी, बड़ा प्यारा शेर फरमाया। फरमाते हैं, मा इम्मतह तो मुहम्मदम बिमकालती। फरमाते हैं, मैं अपने शेरों से, अपने कलाम से हुजूर की तारीफ नहीं करता। मैं कौन हूं कि अपने कलाम से या अपने शेरों से हुजूर की तारीफ कर सकूं? तो फरमाते हैं, मा इम्मतह तो मुहम्मदम बिमकालती, मैं अपने कलाम से, अपने शेरों से हुजूर की तारीफ नहीं करता, लाकिन मदह तो मकालती बे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं, मैं ये करता हूं कि मैं अपने कलाम में हुजूर का नाम पाक ले आता हूं, मैं अपने अशार में हुजूर का नाम नामी व इसमें गिरामी ले आता हूं। तो फिर होता क्या है कि मैं अपने कलाम से तो हुजूर की तारीफ नहीं करता, बल्कि जब हुजूर का नाम मेरे कलाम में आ जाता है तो मेरा कलाम तारीफ वाला हो जाता। मैं तो हुजूर का नाम पाक अपने कलाम में लाकर अपने कलाम को काबिले तारीफ बना लेता हूं। तो मियां, हमने हुजूर की तारीफ क्या करनी है? हम तो हुजूर की तारीफ करते हैं अपने शिकिस्ता अल्फाज में, तो लोग हमारी तारीफ करते हैं, हमारे गले में फूलों के हार डालते, मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। तो गोया जो भी हुजूर एक गुलदस्ता है, जिस गुलदस्ते में रंग बरंग फूल हैं, एक एक वस्फे जमील पर तकरीर की जाए तो बड़ा वक्त दरकार है। तो मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिर्फ एक वस्फे मुबारक के मुतल्लक मुख्तसर अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। सुनो, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नबियो
आप लोगों के घरों में तर्जमे वाले कुरान शरीफ हैं, आप तर्जमा देखते हैं ऐ नबी, ऐ तो तर्जमा हो गया या का, और नबी को अगर नबी ही लिख दिया गया तो फिर तर्जमा तो ना हुआ, तो नबी को नबी ही लिख दिया गया। देखना तो यह है कि नबी का माना क्या है। तो जितने तर्जुमा वाले कुरान शरीफ आप देखेंगे, जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, किसी ने नबी का माना नहीं किया सिवाय आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। इसी वास्ते ये लोग शोर मचा रहे हैं कि आला हजरत के तर्जमे पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि आला हजरत का तर्जमा ही ऐसा है कि उस तर्जमे को पढ़कर ही ईमान ताजा हो जाता है और बद अकीदगी करीब भी नहीं आती, बद अकीदगी करीब भी नहीं आती। बद अकीदगी का अंदर आ जाना और अंदर दाखिल होके दिल में घर कर लेना, यह तो बड़ी बात है ना, बद अकीदगी करीब भी नहीं आती। तो सुनो, आला हजरत ने तर्जमा किया है और यह बड़ा सही तर्जमा है। आला हजरत तर्जुमा करते हैं, या अय्योहन नबियो, ऐ गैब की खबरें देने वाले। तो बोलो, आला हजरत ने नबी का तर्जुमा क्या किया? गैब की खबरें देने वाले। और यह तर्जुमा बिल्कुल सही तर्जुमा है। सबसे पहले तो आप अरबी की लुगत उठाकर देखिए, अल मुंजिद उठाओ, मिसबाहुल लुगात उठाओ, कोई भी अरबी लुगत उठाओ और नबी का माना देखो क्या है। तो मैं आपको बताऊं, नबी का माना है अन नबियो अल मुखबिरो अनिल गैब, नबी का माना है गैब की खबर देने वाला, अल मुखबिरो अनिल गैब, गैब की खबर देने वाला। तो लुगत से भी साबित हो गया। अब मैं कवायद की रूह से और लुगत की रूह से कुरान करीम की आयात से इस तर्जमे को साबित करूं। देखो, नबीयुन फईलुन के वजन पर सीगा है सिफते मुशब्बा का, और इसका मस्दर और मादा है नबा, और नबा के माना खबर के हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वतलो अलैहिम नबा अबने आदम बिलहक, वतलो अलैहिम, ऐ मेरे हबीब उन पर तलावत कीजिए, उनको सुनाइए क्या नबा खबर। इब्ने आदमा, आदम के दोनों बेटों की, बिल हक सच्ची सच्ची। बा मुहावरा तर्जमा यह होगा कि ऐ नबी, आप इन लोगों को आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों की सच्ची सच्ची खबर सुनाइए, सच्ची सच्ची खबरें बताइए। तो नबा जो मस्दर है वो इस आयत में आया, वतलो अलैहिम नबा, ये मस्दर है, इसके माना खबर के हैं। और दूसरी आयत सुनो, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वतलो अलैहिम नबा नूह, ऐ मेरे हबीब इन लोगों को नूह अलैह सलाम की खबर सुनाइए। नबा का माना खबर। इसी से अगर
अमर का सीगा बनाया जाए तो बनेगा 90। इसका माना है खबर दो, तो कुरान में पढ़िए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है 90 इबादी, ऐ मेरे हबीब मेरे बंदों को मेरी खबर दो। इसी मस्दर से वाहिद मुतकल्लिम मुदारे का सीगा बनाए तो बनेगा 90। तो हजरत ईसा अलैहि सलाम फरमाते हैं वा 90 कुम बेमा ताकुलूना व मा तद्दखिरूना फी बुयूतकुम, मैं खबरें देता हूं तुम्हें जो कुछ तुम खाते हो और जो कुछ भी अपने घरों में जखीरा करते। तो नबा 90 90 और नबीयुन, मैंने जैसा अर्ज किया कि नबा है मस्दर और नबा के माना खबर के हैं, तो नबीयुन के माना होंगे खबर देने वाला। सब बोलो नबीयुन के माना क्या है? खबर देने वाला। वैसे तो खबरें रेडियो भी देता है, टेलीविजन भी देता है, अखबार जमा ही खबर की होती है, हम खत लफाफे टेलीफोन और टेलीग्राम के जरिए से भी एक दूसरे को खबर देते हैं, बंदे भी बंदों को खबरें देते हैं कि आज ये हुआ है फलां जगह ये हो गया। इस जलसे की भी कई लोगों ने खबर दी होगी कि भाई आज रात को फलां जगह जलसा हो रहा है। याद रखो रेडियो खबरें देता है, टेलीविजन खबरें देता है, अखबार खबरें देता है, बंदे आपस में एक दूसरों को खबरें देते हैं, मगर ये नबी नहीं है क्योंकि ये खबरें देते हैं मखलूकात की, और नबी वो होता है जो खबर दे खालिक की। नबी वो होता है जो खबर दे खालिक की, क्योंकि नबी की इजाफत होती है अल्लाह की तरफ, नबीउल्लाह, और नबी के माने हैं खबर देने वाला। तो जब इसकी इजाफत अल्लाह की तरफ होगी तो माना होगा अल्लाह की खबर देने वाला, और अल्लाह गैबुल गैब जात है, तो अल्लाह की बातें और खबरें भी गैब हैं, तो अल्लाह ताला की खबरें जो गैब हैं वो हम तक पहुंचाई तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहुंचाई। तो नबी का माना ही है गैब की खबर देने वाला। तो कितना सही तर्जमा किया है आला हजरत ने, या अय्योहन नबियो, ऐ गैब की खबरें देने वाले। अब बताइए जब कोई शख्स ये तर्जमा पढ़ेगा तो उसको मसले मसाइल पूछने या सुनने की जरूरत ही नहीं रहेगी, वो समझ लेगा कि नबी के माना ही है गैब की खबर देने वाला। तो खबर वही दे सकता है जो खबर रखता हो, जिसको खुद खबर नहीं वो दूसरे को क्या खबर देगा। तो जब नबी के माना ही है गैब की खबर देने वाला, तो फिर मानना पड़ेगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह की अता से गैब जानते हैं। अगर हुजूर खुद नहीं जानते तो दूसरे को गैब की खबर क्या देंगे। तो आला हजरत ने तर्जमा ही ऐसा कर दिया कि माशाल्लाह इस तर्जमे का पढ़ने वाला गुमराह नहीं हो सकता, उसके अकीदे दुरुस्त रहते। या अय्योहन नबियो, ऐ गैब की खबरें देने वाले। आइए अब अल्लाह ताला से पूछते हैं कि ऐ अल्लाह तबारक व ताला, तेरा महबूब गैब की खबरें देता है और उसने गैब की खबरें दी हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमा हुवा अलल गैब बेदानीन, और वो रसूल गैब की खबरें देने में बुखल नहीं करता। वो रसूल वमा होवा
अलल गैब बेदानीन। अल्लाह फरमाता मेरा रसूल गैब की खबर देने में बुखल नहीं करता। बोलो बखील किसको कहते हैं? बखील उसको कहते हैं जिसके पास माल हो और खर्च ना करे। जिसके पास माल ही ना हो उसको बखील नहीं कहते, उसको फकीर कहते हैं, उसको मोहताज कहते हैं, उसको मुफलिस कहते हैं, कल्लाश कहते हैं। बखील उसको कहते हैं कि जिसके पास माल तो हो लेकिन वो खर्च ना करे। तो अल्लाह फरमाता है मेरा महबूब गैब पर बखील नहीं। क्या मतलब कि हमने जो अपने हबीब को गैब के खजाने अता फरमाए हैं उन खजानों के खर्च करने में वो बुखल नहीं करते, बल्कि जो गैब का इलम उन्होंने हमसे हासिल किया है आगे अपने गुलामों को भी गैब का इलम अता फरमाते हैं और गैब की खबरें देते हैं। चुनांचे मैं ना मानूं इसका तो कोई इलाज नहीं, जिद और हट धर्मी तो ला इलाज बीमारी है। मौलवी शब्बीर अहमद साहब उस्मानी जो उलमाए देवबंद में बहुत बड़े आलिम समझे जाते हैं, उन्होंने इस आयत के तहत लिखा है। चुनांचे मैं उनके अल्फाज आपके सामने पेश करता हूं। वो लिखते हैं यानी ये पैगंबर हर किस्म के गुयूब की खबर देता है। जरा गौर करो अल्फाज में, यानी ये पैगंबर हर किस्म के गुयूब की खबर देता है। गुयूब जमा है गैब की और उस पर हर किस्म का लफ्ज लगा हुआ है, यानी हर किस्म के गैबों की खबर देता है, माजी से मुतल्लक हो या मुस्तकबिल से। उन गैबों का ताल्लुक गुजरे हुए जमाने के साथ हो या आने वाले जमाने के साथ हो। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला है सब कुछ बताते हैं, तो उन्होंने भी ये बता दिया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर किस्म के गैबों की खबरें देते हैं और इन खबरों के देने में बुखल नहीं करते। तो अब तुम लोग बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हो कि हर किस्म के गैबों की खबरें वही दे सकता है जो हर किस्म के गैबों को जानता। और मैं कहता हूं आला हजरत ने तो जुमलों में और इशारों में मसले हल कर दिए। आला हजरत फरमाते हैं और कोई गैब तुमसे क्या नेहा हो भला, और कोई गैब तुमसे क्या नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। यार सुल्ला जब आपसे खुद खुदा ही नहीं छुपा तो उसने और क्या छुपा लेना था, और जिसकी निगाह से खुद खुदा नहीं छुपा उसकी निगाह से खुदाई कहां छुप सकती है। तो याद रखो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की अता से गैब जानने वाले हैं। अब अकली तौर पर एक बात करूं और उसके बाद एक वाक्य आपको सुनाऊंगा जो आपने शायद नहीं सुना होगा, और अगर सुना होगा तो कुछ लोगों ने मुझसे ही सुना होगा। वो वाकया भी बड़ा सबक आमोद है और उसमें मसाइल का भी हल है। अकली तौर पर जरा गौर करो, हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी अपनी वालदा माजदा के शिकम में थे कि वालिदे माजिद वफात पा गए, बाप का साया सर से उठ गया। 6 बरस के हुए तो वालदा माजदा चल बसी, दादा जान के पास रहने लगे। 8 बरस के हुए तो दादा जान भी चल बसे, फिर अपने चाचाओं के पास रहने लगे।
तो चचा अबू तालिब ने बकरियां चराने पर लगा दिया। अब बकरियां चराती, और आप जानते हैं कि बकरियां चराने वाला सुबह बकरियां लेकर निकलता है और शाम को वापस आता है। बकरियां जंगल में चलती है, जंगल में। अब बकरियां चर रही हैं, और जो बकरियां चराने वाला है वो एक तरफ बैठा रहता है या खड़ा रहता है। उस वक्त कोई किताबें नहीं थी, कोई पढ़े लिखे लोगों से वास्ता नहीं पड़ता था, कोई किसी से गुफ्तगू करने का मौका नहीं मिलता था। अगर मिल जाता था इत्तेफाक से तो वो भी किसी दूसरे चरवाहे के साथ या किसी मुसाफिर के साथ। जंगल में चले गए बकरियां लेकर और शाम को आ गए। ना किसी मकतब में दाखिल हुए, ना कोई किताब पढ़ी, ना पढ़े लिखे लोगों की सोबत में बैठे, और फिर कारोबार करने लग गए, तिजारत में लग गए। और जू ही नबुव्वत का दावा किया, जो कुछ हो चुका था और जो कुछ कयामत तक होने वाला था सब कुछ बयान फरमाना शुरू कर दिया। तो अकली तौर पर सोचिए कि ये इलम कहां से हासिल किया था। किसी मकतब में तो दाखिल नहीं हुए थे, किसी यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं हुए, किसी मदरसे में दाखिल नहीं हुए, किसी की शागिर्दी नहीं की, किसी से कोई एक हरफ भी नहीं पढ़ा, लेकिन जो कुछ हो चुका था और जो कुछ कयामत तक होने वाला था वो सब कुछ बयान करना शुरू कर दिया। क्यों? कि हुजूर नबी थे और नबी अल्लाह ताला की अता से गैब जानने वाला होता है। अल्लाह तबारक व ताला उसको गैब से नवाजता है। चुनांचे मैं वो वाकया आप हजरात की खिदमत में पेश करूं और फिर मैं गुफ्तगू खत्म करूं। सैयद अब्दुल हफीज साहब कहां है? अंदर होंगे वो, उनको कहो कि ये अपने साथी को यहां से उठा लें और उधर कहीं नीचे बिठा दें, क्योंकि इसको देखकर औरों को भी नाना नींद आने लग जाए। ये मुराकबे में पड़ा हुआ है, देखो अभी भी इसको होश नहीं। खैर, जरा ध्यान कीजिए आप, जरा तवज्जो करो। बड़ी अहम बात आप हजरात के सामने मैं पेश कर रहा हूं, और इस बात की इस वक्त मैं जरूरत भी समझता हूं। बनी इसराइल में अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत से अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मबूस फरमाया, बहुत से अंबियाए किराम। उन नबियों में से एक नबी है जिनका नाम है हजरते दानियाल अलैहिस्सलाम। हजरते दानियाल, हजरते दानियाल अलैहिस्सलाम का जमाना था, और उस वक्त हुकूमत थी बुख्ते नसर की। दुनिया में चार बादशाह हुए जिन्होंने रूए जमीन पर हुकूमत की है, दो मुसलमान हुए और दो काफिर हुए। जो मुसलमान हुए वो एक हैं हजरते सुलेमान अलैहिस्सलाम, और दूसरे हैं हजरते सकंदर ज़ुल्करनैन। ये दो मुसलमान हुए, इन्होंने रूए जमीन पर हुकूमत किया। इनके जमाने में जमीन के किसी टुकड़े पर किसी और की हुकूमत नहीं। काफिरों में दो हुए हैं, मैंने दो तीन मरतबा इशारा भी किया है कि ये दो चार लड़के जो है ना, इनको यहां से उठा दो। आप जो पास बैठे हुए हैं आपको तो ख्याल करना चाहिए कि ये बातें कर रहे हैं। चलो जरा फासले पर बैठ जाएं, बड़े शौक से बातें करते रहे। दो बादशाह काफिर हुए हैं जिन्होंने रूए जमीन पर हुकूमत की है, एक नमरूद जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में था, और दूसरा ये जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं बुख्ते नसर। ये बड़ा जाबिर और बड़ा जालिम बादशाह था। जमाना था हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का,
और हुकूमत थी बुख्ते नसर की, रूए जमीन पर हुकूमत थी। बनी इसराइल गफलत का शिकार थे, इन्होंने राह खुदा में जिहाद करना छोड़ दिया और ताऊस और रुबाब और गीत और गाने और नाच और ऐश परस्ती में पड़ गए। और जब कौमें तलवार हाथ से रख देती हैं और गीत गानों में राग रंग में और ऐशो इशरत में पड़ जाती हैं, तो फिर उन